Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And after discussing the basics of statistics, this time I will discuss statistical series, Sankhiki Shrankhalaen. And the lecture will be in bilingual mode and it must be interesting and useful for all of us. सांख्यिकी में क्या बात हुई? सांख्यिकी में बात हुई कि आंकड़े हैं, आंकड़ों को प्रेजेंट करना है, आंकड़ों को हमें टेबुलेट करना है, उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना है और उनसे इंफरेंस निकालने हैं या डिस्क्रिप्शन करना है जिस जहां से हमें वो आंकड़े एकत्रित हुए हैं। फिर अब वो आंकड़े एक दो नंबर भी हो सकते हैं, वो बहुत सारी संख्याएं भी हो सकती हैं, उनमें कोई क्रम भी हो सकता है, तो हमको उनको एक सीरीज में अरेंज करना पड़ता है ताकि हम उनका प्रॉपर्ली अध्ययन कर सकें। तो अरेंजिंग क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर सच एज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ अकरेंस, साइज और सम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। सॉरी, कह रहे हैं कि सांख्यिकी श्रृंखला का क्या मतलब है कि जो हमने डेटा एकत्रित किया है उसको हमको जो क्लासिफाइड डेटा है हमारे पास, वर्गीकृत आंकड़े हमको मिल गए हैं, उनको हमको अरेंज करना है किसी न किसी लॉजिकल ऑर्डर में, मतलब किसी क्रम लॉजिक के हिसाब से, चाहे वो समय की अकरेंस हो सकती है या आकार के हिसाब से हो सकता है या कोई और मेजरेबल या नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, मतलब मापनीय या अमापनीय गुण के आधार पर अगर हम क्लासिफाइड डेटा को अरेंज करते हैं किसी ना किसी लॉजिकल ऑर्डर में तो उसी को स्टैटिस्टिकल सीरीज कहा जाता है। दीज सीरीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये सीरीज क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, क्लासिफाई भी कर लिया है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यानी संगठित तरीके से, प्रॉपरली उचित तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें, इसलिए स्टैटिस्टिकल सीरीज बनाते हैं। ये एक इसका बेसिक आप क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, या तो उनके गुणों के आधार पर या उनकी रचना के आधार पर। तो गुणों के आधार पर स्टैटिस्टिकल सीरीज या सांख्यिकी श्रृंखलाएं तीन तरीके की हो सकती हैं, टाइम सीरीज, स्पेशियल सीरीज और कंडीशन सीरीज, है ना। सॉरी, ये रही टाइम सीरीज, स्पेशियल सीरीज या कंडीशन सीरीज। तो टाइम सीरीज यानी कि अगर समय पर आधारित होगा तो टाइम सीरीज, अगर जगह के आधार पर हमने सीरीज बनाई है तो स्पेशियल सीरीज, अगर किसी कंडीशन के आधार पर ये श्रेणियां बनी हैं तो कंडीशन सीरीज। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन के आधार पर अगर हम बांटे इनको तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीन तरीके की हो सकती है। इंडिविजुअल यानी कि ये कोई सीरीज ही नहीं है, सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन है। डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसमें कोई हमने समूह नहीं बनाया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। और कंटिन्यूअस सीरीज मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने कुछ ग्रुपिंग्स बना ली, फिर कंटिन्यूअस फिर कई तरीके की हैं। तो अभी हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर टाइम, स्पेशियल और कंडीशन, इसको पढ़ते हैं। टाइम सीरीज क्या है कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर? इफ द डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय ए वेरिएबल इन ए पीरियड आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज। यानी कि हमने अगर क्रम के, मतलब समय के पीरियड के हिसाब से हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया, जैसे मान लीजिए हम जनसंख्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो 1980 में इतनी, 1990 में इतनी, 2000 में, 2010 में, 2020 में और 2030 में अगर हम इसको बना दें तो ये एक सीरीज बन जाएगी। और इस किसके आधार पर बनी है? टाइम के आधार पर, एक टाइम पीरियड के आधार पर, तो ये टाइम सीरीज हो जाएगी। सिंपली पुट, अ टाइम सीरीज इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच द गिवन डेटा इज प्रेजेंटेड इन टाइम यूनिट्स, दैट इज डे, मंथ, वीक और ईयर। इसी तरह से हम डे, मंथ, वीक का भी बना सकते हैं कि प्रतिदिन, महीने के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, वर्ष के आधार पे। तो यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसके सीरीज बनाने का आधार क्या है? समय है। उसी तरह से स्पेशियल सीरीज, इफ द डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और जियोग्राफिकल कंसिडरेशन देन इट इज कॉल्ड अ स्पेशियल सीरीज। यानी कि अगर हम भौगोलिकी के आधार पर, समय, जगह के आधार पर हम बना रहे हैं सीरीज तो स्पेशियल। जैसे यहाँ क्या होगा? टाइम सेम रहेगा, द टाइम फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड द प्लेस चेंजेस। जैसे कि मान लीजिए 1980 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, मध्य प्रदेश की इतनी है, गुजरात की इतनी है, महाराष्ट्र की इतनी है और चेन्नई की इतनी है, तो टाइम फैक्टर तो सब सेम है क्योंकि सब 1980 में बता रहे हैं लेकिन जगह बदल गई, तो ये स्पेशियल सीरीज हो जाएगी। उसी तरह से कंडीशन सीरीज, इफ द डेटा ऑफ ए सीरीज इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस देन इट इज कॉल्ड ए कंडीशन सीरीज। यानी कि हमने जगह भी एक ही ले ली है, उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं, 1980 की ही बात कर रहे हैं, तो हमने कोई कंडीशन लगा दी है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल डेटा इज अरेंज्ड बेस्ड ऑन द एज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, कुछ इस तरीके की हमने कंडीशन लगा दी है, तो ये कंडीशन सीरीज हो जाएगी, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, गुणों के आधार पर। समय अगर मेन है तो समय की सारणी हो गई, अगर स्थान महत्वपूर्ण है तो स्थान की सारणी हो गई, कंडीशन हमने जो दशा लगा दी है वो इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशन सीरीज हो गई। उसी तरह से अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉरी गले में खराश। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिविजुअल सीरीज हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है और कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इंडिविजुअल मतलब कि सिर्फ ऐसे आंकड़े की बात है, वो भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, अव्यवस्थित है, तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अगर उसी को हमने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, तो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो असतत है, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज बहुत तरीके की होती है, कंटिन्यूअस मतलब सतत श्रृंखला। अब ये एक्सक्लूसिव हो सकती है, ये इंक्लूसिव हो सकती है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्यूमुलेटिव है। देखिए ये मैं चूंकि मेरा कट कॉपी पेस्ट है इसलिए मैं इसको सही नहीं कर पाई हूँ, ये सी यू होना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज है। तो इसमें से कुछ हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में हो गई ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल और अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है? द सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंपली इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। यानी कि कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, कुछ आइटम्स हैं और उसको हमने ऐसे ही रख दिया है बिना किसी ग्रुपिंग के, तो वो इंडिविजुअल है। उसमें भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज विद रॉ डेटा और एन अनऑर्गेनाइज्ड अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा इज नोन एज एन, और हाँ इतनी तरीके के इसमें शब्द आ रहे हैं, ए सीरीज विद रॉ डेटा और एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा इज नोन एज एन अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज। यानी कि रॉ डेटा है, हमने सिर्फ उसको ले लिया, उसका कोई हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया, कोई ग्रुपिंग नहीं बनाई, बस ऐसे ही रख दिया। रॉ डेटा इज द डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जैसे भी हमको डेटा एकत्रित हुआ वो सब अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात हमने ग्रुपिंग नहीं बनाई इसलिए इंडिविजुअल, और जो बना है मिला है उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो अनऑर्गेनाइज्ड। तो देन द कलेक्टेड डेटा विल बी, और फिर इसी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्रुपिंग नहीं बना रहे हैं तो इंडिविजुअल तो रहेगा, लेकिन इसी को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल हो जाएगा। अ सीरीज विद ऑर्डरली अरेंज्ड रॉ डेटा इज नोन एज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें भी दो तरीके के हो सकता है, देयर आर टू वेज टू प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। हम दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे? द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर, या तो हमने सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए क्लास के बच्चों के नंबर ही हैं, तो पहले थे कि हमने कॉपी को कैसे भी चेक कर लिया तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है और ऐसे ही नंबर रखे, लेकिन उसी को हमने सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 50 तक उनके नंबर लगा दिए तो ये ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज हो गई। और या हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से लगा सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो सबसे ज्यादा जिस बच्चे के नंबर है उसकी कॉपी सबसे पहले और से लेके नीचे तक, या जिसके सबसे कम है वो सबसे पहले और नीचे तक, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरेंजिंग रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज एन अरे, या अरेज, या अरेइंग ऑफ द डेटा और अरेइंग ऑफ द फिगर्स। अरे मतलब होता है व्यूह रचना, है ना, कुछ क्रम इस तरह, व्यूह क्रम। तो ये हो गया, मतलब जो रॉ डेटा आपको मिला वो इंडिविजुअल सीरीज है, उसको भी आपने बिल्कुल व्यवस्थित नहीं किया तो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको भी आपने व्यवस्थित कर दिया है तो ऑर्गेनाइज्ड है। और व्यवस्थित भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपली दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीरियल नंबर से चलिए या असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में, जिसको आरोही अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक, आया आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या है कि इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडीज लार्ज, अगर बहुत सारा, मतलब क्लास के 50-100 बच्चों को तो हम इंडिविजुअल सीरीज बना सकते हैं, 100 भी ज्यादा है बल्कि, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या है, तो बहुत बड़ा प्रेक्षण है हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस डिस्क्रीट सीरीज इज ए मच बेटर वे टू प्रेजेंट द डेटा। इसमें क्या करेंगे, हम डिस्क्रीट यानी असतत श्रृंखला बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर शोन विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। मतलब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 0 से 10 इतने बच्चों के नंबर आए हैं, 15 से 20 में इतने बच्चों के नंबर है, तो इस तरह से हम रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्ग अंतराल जिसकी बात कर रहे हैं ना। फिर अब आता है जो सबसे खास है, जो है कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि सतत श्रृंखला। इसी के बहुत सारे टाइप हमको पढ़ने हैं, और जो हम न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं उसमें भी हमको कंटिन्यूअस सीरीज ही मिलती है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, अभी बाद में आपको बताते हैं। अ डिस्क्रीट सीरीज कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इन इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल, जो अंतराल का वैल्यू होती है उसको डिस्क्रीट सीरीज नहीं लेती है। देयरफॉर इन केसेस वेयर इट इज एसेंशियल टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स विद रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए गिवन डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज इज यूज्ड। यानी कि जो हमने डिस्क्रीट बनाई है, हमने सिर्फ वर्ग अंतराल, मतलब उसके अंदर जो आ रहा है, अंतराल में आ रहे हैं आंकड़े, उसका हमने कोई मान नहीं लिया, वो हमारे लिए
महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब वो अंदर के मान भी महत्वपूर्ण होते हैं तो हमको कंटिन्यूअस सीरीज बनानी पड़ती है, तब डिस्क्रीट से काम नहीं चलेगा। तो इन दिस सीरीज द मेजरमेंट्स आर ओनली ओनली अप्रोक्सीमेशंस एंड दीज अप्रोक्सीमेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि यहाँ पे वर्ग अंतराल महत्वपूर्ण है। अदर नेम्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आर, इसके और नाम है जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज विद क्लास इंटरवल्स एंड सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका उसके हिसाब से हमें बांट दिया है, आवृत्ति वितरण कर दिया है, या सामूहिक आवृत्ति वितरण है, या वर्ग अंतराल के साथ सारणी है, या वर्गीकृत आंकड़े की सारणी है, कुछ ये बहुत सारे नाम है इसके। इन अदर वर्ड्स अ कंटिन्यूअस सीरीज इज वन इन विच बोथ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी आर गिवन, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज थी वहां हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताई जा रही थी कि इतने इतनी बार ये यूज हुआ है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, कितनी बार वो हो रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूअस है इसमें फ्रीक्वेंसी भी बताते हैं कि कितनी बार होगी, आवृत्ति भी बताएंगे और वर्ग अंतराल भी बताएंगे। ठीक, अब कंटिन्यूअस का आप देख लीजिए कौन कौन से तरीके, सिर्फ इतने ही मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सबसे खास है एक्सक्लूसिव सीरीज और बहुत चलता है। क्या है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, बाहर निकाल देते हैं किसको, बाहर निकाल देते हैं जो अपर लिमिट होती है। देखो, इट इज ए काइंड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इन विच द अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे आपने सवाल लगाया होगा उसमें देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसमें क्या है, 0 से 10 की अपर लिमिट क्या है 10, और 10 से 20 की लोअर लिमिट क्या है, ये भी 10 है। यानी कि जो पहला वाला बनेगा 0 से 10 वो 0 से 9 तक ही अपने आप को काउंट करेगा, अगला वाला 10 से काउंट करेगा, समझ रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट को हम छोड़ दे रहे हैं सब में। तो एन एक्सक्लूसिव सीरीज इज वन इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इट्स अपर लिमिट, यानी कि हर जो वर्ग अंतराल है वो अपनी अपर लिमिट को, उच्चतम जो उसकी लिमिट है उसको छोड़ देता है, तो वो एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव में क्या है, हम सबको लेके चल रहे हैं, जैसे सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, तो इसमें कैसे वर्ग अंतराल बनेगा, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, यानी कि 0 से 9 हमारे पास सब कुछ है, हमारा है ऊपर वाला 10 से शुरू हो रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम अपने आप 10 को मान के चलते हैं कि 10 हमने छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि 10 हमने ऊपर वाले की लोअर लिमिट ले ली है। ठीक है, फिर ओपन एंड सीरीज, ये एक खुली श्रृंखला है, इसमें क्या होगा कि इन विच द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, यानी कि इंटरवल तो इसमें भी है लेकिन जो सबसे पहले वाले की लोअर लिमिट नहीं मिलेगी और सबसे ऊपर वाले की अपर लिमिट नहीं मिलेगी, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड नहीं। तो जैसे जो पहला वाला हमारा हो जाएगा वो क्या है, लेस देन 10, ये नहीं कह रहा है 0 से 10, क्योंकि लेस देन में 0 है कि 1 है कि 2 है 3 4 5 नहीं पता है, ओपन एंडेड है। उसी तरह से जो ऊपर वाला है मोर देन 50, अब ये 50 से कहां तक है ये नहीं पता है, तो जो सबसे पहला वर्ग अंतराल है हमारा उसकी लोअर लिमिट नहीं पता है, मिसिंग है, और सबसे उच्चतम जो वर्ग अंतराल है उसकी अपर लिमिट मिसिंग है, तो वो ओपन एंड सीरीज हो जाता है। इस पर सवाल कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव हमको श्रेणियां मिलती हैं सवाल करने के लिए। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, क्यूमुलेटिव क्या मतलब, योगात्मक, जोड़ते चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने सबका डायग्राम नहीं बनाया, बहुत लंबा हो रहा था, 0 से 10 है, तो 0 से 10 में मान लीजिए 5 है फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 में भी 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या होगा, और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जुड़ जाएगी, यानी कि ऊपर वाला सबसे ऊपर या असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर आप लेके चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज अगले वर्ग अंतराल में जाने पर जुड़ती जाती हैं, वो क्यूमुलेटिव है। और फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यूज, इसमें क्या है कि वो तरीके की आवृत्ति सारणी है जिसमें कि मध्य मान हमको दे रखे, मध्य के मान दे रखे हैं, तो विद सीरीज विच हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी कि 0 से 10 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 5, क्या 0 से 10, 20 से 30 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 15, यानी कि सिर्फ मिड वैल्यू दे रखी है और इधर हमको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यूज हो गया। तो ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए आप कौन सी सीरीज पर सवाल आपको मिला है, एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है कि ओपन एंड है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यूज है। ये 5 मेनली हैं जिस पर कि आधारित कंटिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल आंकी प्रश्न हमको लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्टैटिस्टिकल सीरीज, पहले तो ये पता हो तब तो उस पर हम सवाल लगाएंगे ना। ठीक, तो ये हो गई आपकी सांख्यिकी श्रृंखलाएं, एंड आई हैव कवर्ड दिस वेरी मच टॉपिक टू, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम दिस एंड।